Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. दोस्तों मैं आपका दोस्त अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल क्या बात है यार। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हम कैसे अपना कैंडी या टॉफी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। एक कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट के तौर पर टॉफी या कैंडी को लगभग सभी उम्र के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है और साथ ही साथ इसे फ्रेशनर के तौर पर भोजन या डिनर के बाद या कभी भी इस्तेमाल में लाया जाता है। यह मुंह से बदबू को दूर भगाने और सांसों को तरोताजा रखने में भी सहायक होता है। कैंडी बच्चों में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है और बच्चे द्वारा काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है क्योंकि आज भी कैंडी या टॉफी बच्चों को मनाने बहलाने फुसलाने सबसे सस्ता और आसान तरीका है। कहने का मतलब ये है कि आज भी जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ लोग कैंडी लेकर जाते हैं और कई तरह की टॉफियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें खाने के दौरान एक सुखद अनुभूति का एहसास होता है, जैसे एल्पेनलीबे, मेलोडी, किसमी, पल्स इत्यादि। और लोगों को ज्यादा पसंद आने की वजह से ये मार्केट में काफी ज्यादा बिकती है और इन कैंडियों को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों का टर्नओवर करोड़ों रुपए में होता है। एक आंकड़े के हिसाब से भारत में कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री 12% की दर से आगे बढ़ रहा है। भारतीय कन्फेक्शनरी बाजार की कुल वैल्यू लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मानी गई है और वर्तमान में जो 12% प्रतिवर्ष की दर से आगे बढ़ रही है, लेकिन फ्यूचर में इसके 15-20% प्रतिवर्ष की दर से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वह इसलिए क्योंकि इस कैटेगरी में अभी भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। टॉफी एंड कैंडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती है और सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। इसलिए इस तरह का बिजनेस शुरू करना कमाई करने का एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक हाई प्रॉफिट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और यही कारण है कि एक जनरल स्टोर या फिर कोई भी गले मोहल्ले की छोटी सी दुकान में भी एक नहीं बल्कि अनेकों तरह की टॉफियां बेचते हुए देखी जा सकती है। बिजनेस को छोटे लेवल या बड़े लेवल पे स्टार्ट किया जा सकता है। शुरू में आप कैंडी बनाने का बिजनेस अपने घर से शुरू कर सकते हैं और अपने द्वारा तैयार कैंडी को मार्केट में बेच लोगों का फीडबैक पता कर सकते हैं। और छोटे लेवल पे कैंडी बनाने वाली मशीन 1-2 लाख रुपए के अंदर आ जाती है और लो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस शुरू करने का एक बेनिफिट ये होता है कि बिजनेस लॉस के दौरान लॉस के चांसेस काफी कम होते हैं। सबसे पहले आपको अपने लोकल बाजार में रिसर्च करनी होगी और अपने जिले या स्टेट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कैंडी का पता लगाने की कोशिश करनी होगी। और एक बार जब आप अपने इलाके में सबसे अधिक बिकने वाली कैंडी के बारे में पता लगा लेते हैं तो आप या तो सेम प्रकार की कैंडी अच्छी क्वालिटी में बना सकते हैं जिसकी पहले से ही बाजार में डिमांड है या फिर एक नए फ्लेवर के साथ कैंडी को तैयार कर मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप बड़े लेवल पे अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप कैंडी मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स कर लें। अपने इंडिया में ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कैंडी मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स कराते हैं। वे आपको बहुत मेहनत के बिना शानदार कैंडी बनाने के लिए टिप्स और ट्रिक भी देंगे। इस कैंडी बाजार में अपने बिजनेस को आगे लाने के लिए आपको एक टेस्टी और अलग कैंडी बनाना होगा। बाजार में कई फ्लेवर पहले से मौजूद हैं, जैसे कि बटर कैंडी, मैंगो, मिंट, इमली इत्यादि। दोस्तों अगर बात करें कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगने वाली मशीन की तो कैंडी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 8-9 मशीन की जरूरत होती है, जैसे कैंडी वैक्यूम कुकर, सर्कुलेटिंग कूलिंग टेबल, कूलिंग मशीन, बैच फॉर्मर मशीन, रोप साइजर मशीन, कैंडी मोल्डिंग मशीन, कूलिंग कन्वेयर और कैंडी रैपिंग मशीन। दोस्तों मार्केट में अलग अलग कैपेसिटी और टाइप की मशीन अलग अलग रेट में उपलब्ध है जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें नॉर्मली 25-30 लाख के अंदर मीडियम लेवल पे कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है और गवर्नमेंट भी ऐसे बिजनेस को सपोर्ट करती है। दोस्तों मार्केट में सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक दोनों तरह की मशीन उपलब्ध है जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। और वहीं अगर बात करें कैंडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल्स की तो शुगर, ग्लूकोज, मिल्क पाउडर, फ्लेवर एडिटिव और सिट्रिक एसिड की जरूरत होती है और इन्हीं रॉ मटेरियल्स के जरिए अलग अलग तरह के कैंडी को तैयार किया जाता है। और अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर कैंडी बनानी हो तो चॉकलेट फ्लेवर को मिक्स करना होता है और मिंट कैंडी के लिए मिंट फ्लेवर को। दोस्तों अगर बात करें टॉफी या कैंडी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तो ये एक बेहद ही आसान प्रोसेस है और इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स को वैक्यूम बैच कुकर या वैक्यूम कुकर के जरिए एक फिक्स किए गए टेम्परेचर पर पकाया जाता है और पके हुए मटेरियल्स को कूलिंग टेबल पर कूलिंग करने के लिए रख दिया जाता है और कूलिंग टेबल पर रखने के बाद इसमें रंग, स्वाद एवं अन्य सामग्री को अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है। उसके बाद कैंडी के मिक्स मटेरियल को कूलिंग टेबल से पास कराया जाता है ताकि मिलाए गए कलर, टेस्ट और दूसरे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। कूलिंग मशीन मिक्स रॉ मटेरियल को स्ट्रेच कर अच्छे तरीके से मिक्स कर देती है और मिक्स होने के बाद उसमें एक शाइनिंग आ जाती है। जब कैंडी का रॉ मटेरियल अच्छी तरीके से मिक्स होकर ठंडा हो जाता है तो उसके बाद इसे बैच फॉर्मर मशीन में ट्रांसफर किया जाता है जो मिक्स मटेरियल्स को रोल में बदलने का काम करती है। मशीन में हीटर लगे होते हैं जिनके जरिए इन्हें एक शेप में बदला जाता है। उसके बाद टॉफी एंड कैंडी मैन्युफैक्चरिंग में इन रोल को रोप साइजर मशीन के जरिए पास कराया जाता है ताकि जरूरी आकार के रोप तैयार किए जा सके। उसके बाद इन रोप को कैंडी मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है जहां जरूरी आकार शेप की कैंडी तैयार की जाती है। कैंडी मोल्डिंग मशीन में कटर के जरिए जरूरी आकार में कैंडी
कैंडी को काट ली जाती है और उसके बाद बनाई गई कैंडी को कैंडिंग रैपिंग मशीन में डाला जाता है और फिर उसके बाद पैकिंग के हिसाब से उसकी पैकिंग की जाती है और फिर इनकी पैकिंग के बाद तैयार कैंडी को बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।